हीटेड स्लाइडिंग डोर का ये पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो है। इस तरीके का पूरा रेडी डोर पैकिंग होके आप तक आता है। ये डबल पैकिंग बबल पेपर से रैप होता है, ऐसा नहीं रहेगा, नहीं समझ। इस तरीके का पूरा रेडी आएगा आप तक पैकिंग, और इसे आपको पहले कट कर लेना है पूरा। पूरी रैपिंग से इसे निकाल लेना है पहले। इस तरीके का रैप है, ये इसका हार्डवेयर है, साइड में रख लेना पहले। ये इसकी हाइट है और ये इसका विड्थ है। ये इसका नेट है और नेट को हमें इसे पहले साइड में रख देना है। ये फ्रेम हमारा हाइट है, ये दोनों, और ये दोनों इसकी विड्थ है। इस विड्थ को हमें पहले इस हाइट में लगाना है, इस कंपोनेंट के अंदर पूरा डालना है। दूसरी तरफ भी हमें वैसा ही करना है। फिर दूसरा हाइट उठा के हमें इसे ऊपर की तरफ ये इसमें लगा लेना है, सेम उस तरीके से वहाँ पर लगाने। ये हमारा डोर का फ्रेम रेडी हो गया है, हमारा रेडी हो गया है। और ये इसका हार्डवेयर है, हार्डवेयर में स्क्रूज़ हैं जो हमारे चारों तरफ लगेंगे और दो स्क्रू मिडल्स में लगेंगे। अब हमें पहला स्क्रू इस साइड करना है। अब ये दूसरी साइड हमें दूसरा स्क्रू लगाना है। तीसरी तरफ हमें नीचे की तरफ तीसरा स्क्रू लगाना है। ये चौथा स्क्रू हमें चौथी तरफ लगा लेना है। ये हमारा फ्रेम रेडी हो गया चार स्क्रू लगा के। अभी हमें इसे मिडल में दो स्क्रू लगाना है। चार स्क्रू लगाने के बाद अभी हमें इसे मिडल में दो स्क्रू लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइट नाप लेंगे। अब इसका हाइट है 80 इंचेस, तो हम क्या करेंगे, इसका मिडल में जो साइज़ आएगा वो 40 इंचेस पे आएगा। तो हम ये मार्क कर लेंगे 40 इंचेस पे यहाँ स्क्रू लगाने के लिए, और 40 इंचेस इसके दूसरे यहाँ पे। पहले हमें ड्रिल से ड्रिल करना होता है, जो हार्डवेयर के साथ में आपके साथ ड्रिल भी आएगा। तो इस तरीके से पहले दोनों तरफ आपको ड्रिल कर लेना है, फ्रेम तक ड्रिल हो जाए तो अच्छा है। वो स्क्रू स्मूथली टाइट होता है फिर वो। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ ड्रिल करना है। मिडल में हम ड्रिल करेंगे और वुडन फ्रेम तक होने तक ड्रिल कर लेंगे। जहां हमने ड्रिल किया है अब हम वहां स्क्रू कर लेंगे। इसे पकड़कर स्क्रू सीधा जाए, दूसरी तरफ हमें स्क्रू कर लेना है। ये पूरी तरीके से ये हमारा फ्रेम रेडी हो गया। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना फ्रेम सही तरीके से चौखट पर लगा लें चारों तरफ से बराबर करके। तो हमने चार स्क्रू चार कॉर्नर में लगाया और दो स्क्रू मिडल में लगाया, भी इस फ्रेम और चौखट के बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये हमारे नेट का सेक्शन है। अब हम इसे फ्रेम लगाने के बाद में ये सेक्शन को खड़ा कर लेना है हमें। एक हिस्से में इसका नेट है और दूसरा सेक्शन हमें अलग कर लेना है। इसके अंदर के जो धागे हैं वो धागे पूरे निकाल लेने हैं, ऊपर और नीचे दोनों के। हमें इस तरीके से पूरा ऊपर का धागा निकाल लेना है। यहाँ आप लोगों को एक बैरिंग दिख रही होगी, इस बैरिंग के यहाँ से हमें ले लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे का भी करना है। जिस तरीके से हमने ऊपर का किया था उसी तरीके से सेम नीचे करके हम इसे इस ट्रैक में अंदर डाल देंगे, ट्रैक के अंदर। अब ये ऊपर का हिस्सा भी हम प्रॉपर रस्सी आगे करके ट्रैक के अंदर डाल देंगे। पूरा डोर नीचे से लेके ऊपर तक एक साइड में लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी क्लिप है एक, और इसकी दूसरी क्लिप है यहाँ पर दो, और इसकी तीसरी क्लिप है यहाँ पर तीन। तो इस फ्रेम को हमें इस फ्रेम में लगाना है, क्लिप में। इस क्लिप को हमें फ्रेम को प्रॉपर रख के दबा देना है। पहले हमने ऊपर का दबाया, प्रॉपर फ्रेम रख के, अब ये बीच का हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हमें नीचे दबा लेना है। ये जिस तरीके से हमने वहाँ पर नेट लगाया सेम क्लिप यहाँ पर है, और ये सेक्शन को भी हमें यहाँ पर लगाना है। सेम तीन क्लिप इस तरफ भी होगी, उसके दूसरे तरफ।
ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हम दबाएंगे और ये उसके नीचे का क्लिप हो गया। इसका फ्रेम और फ्रेम के अंदर नेट, ये सारा सब कुछ लग चुका है। अब देखिए ये इस तरीके से ये पूरा फ्रेम और फ्रेम के अंदर नेट पूरा हमारा फिट हो चुका है। ये जो इसका फ्रेम है ये डार्क ब्राउन पाउडर कोटेड है, इसके अंदर जो नेट है वो ब्लू ट्यूलिप नेट है। अब इसके दो हैंडल हैं, ये एक उस तरफ लगेगा और एक इस तरफ, तो हमने मिडल पहले ही नाप लिया है हाइट का, तो इससे हमें बस बराबर ये स्क्रू बीच में आए और यहाँ पर लगाना है। ये हमने हैंडल लगा लिया है, इसके साथ जो बीट आई है वो बीट से हमें यहाँ ऊपर और यहाँ ड्रिल करना है। तीन, ये हमारा ड्रिल हो गया है और अब हम इसे स्क्रू लगाएंगे। इसके साथ हार्डवेयर के साथ आपको स्क्रू भी मिलता है, ड्रिल भी मिलता है और सारी चीज़ें जो भी इसमें यूज़ होती है वो आपके साथ पूरी पैकिंग के साथ आती है। ये हमारा फ्रंट विंडो ये लग चुका है हैंडल, और सेम इसी तरीके से पीछे तरफ से लगेगा। जब हम अंदर का हैंडल लगाएंगे तो हैंडल को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रख लेंगे कि हमारा जो स्क्रू है वो एक दूसरे में टकराए नहीं। अब जैसे हमने आगे ड्रिल किया था इसे हैंडल में दो, अब हम यहाँ पर भी इसे ड्रिल कर लेंगे। इसे भी अब दोनों तरफ ऊपर और नीचे हम स्क्रू लगा लेंगे। पूरा डोर ये रेडी हो चुका है हमारा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि देख लीजिए, यहाँ पर ना एक स्क्रू होता है ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक स्क्रू होता है नीचे की तरफ यहाँ पर। तो इनकेस कभी अगर आपको डोर को टाइट या लूज़ करना है तो आप ये स्क्रू को लूज़ करके आप ये डोर को यहाँ पकड़ कर और स्क्रू को टाइट कर लेंगे तो डोर टाइट या लूज़ होगा। अब इसके अंदर ना ये थोड़ा सा धागा निकला होगा, तो धागे को आपको काटना नहीं है, वो धागे को आपको ऐसा अंदर की तरफ कर देना है। कल का अगर हमें वो धागा यूज़ करना हो या ऊपर नीचे करना हो तो हमारे पास इनफ धागा होना चाहिए वहाँ पर। आप लोगों ने इस वीडियो में हमारे प्लीटेड स्लाइडिंग डोर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखा है, तो आपके घर का कोई भी सदस्य या फिर आपके घर का कोई नियरेस्ट कारपेंटर हो वो आके इस डोर को इजीली लगा सकता है। अगर घर में कोई सक्षम है तो वो खुद भी लगा सकता है, बट वो स्क्रू से टाइट करना थोड़ी डिफिकल्टी होती है बट बहुत। और इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर रखते हैं आपको कोई भी हार्डवेयर बाहर से परचेस नहीं करना है, सारे हार्डवेयर आपको इसके साथ में ही आ जाएंगे। ये पूरा डोर रेडी हो चुका है, देख रहे आप। इसके अंदर जो फ्रेम लगा है वो डार्क पाउडर कोटिंग है, इसके अंदर जो नेट है वो ब्लू ट्यूलिप नेट है। इसके अंदर फ्रेम के चार कलर होते हैं, हनी गोल्ड, वाइट, टीकूड और डार्क ब्राउन, और नेट के 8 से 9 डिज़ाइंस होते हैं पूरे। अब हम इसकी बात करेंगे मेंटेनेंस की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें इसे क्लीन रखना है। अगर ये आउटसाइड का डोर है हमारा तो हम इसे इनसाइड खड़े रह के डायरेक्ट पानी मार के हम इसे धो सकते हैं, अगर ये हमारा फ्रंट डोर है। दूसरा चीज़, आपको जो ये रैक है इस तरीके का, आप घर में एक ब्रश तो हो गई या फिर किसी कपड़े से, आप ये रैक के अंदर कभी मिट्टी ना जमा होने दें, क्योंकि ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये बहुत इधर डस्ट जमा होने के वजह से, इसके अंदर जो बैरिंग है वो रन होने की वजह से हमारा थ्रेड टूटता है। जो भी 2-4 साल बाद जब भी ये प्रॉब्लम आए तो हमें इस तरीके के ब्रश से या किसी भी कपड़े से या फिर डायरेक्ट पानी से भी हम इसे धो सकते हैं। हमारा मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए।